तो फ्रेंड्स हम लोग अभी छुई कदान के दारू भट्टी में पहुंच गए हैं। वाइन शॉप दारू भट्टी बोलते थोड़ा अजीब लगता है। तो देखो ये इधर पीछे देखो यहाँ। तो मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यहाँ पे टूर व्लॉग्स। तो नए वीडियो में मैं आ गया हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं छुई खदान, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को। तो ये है बोर्ड अपना खैरागढ़ का, ये जाता है सीधा छुई खदान। तो अभी चलते हैं हम लोग, चलो लेट्स स्टार्ट। छुई खदान हम लोग पहुंच चुके हैं छुई खदान में, और ये एंट्री गेट है अपने छुई खदान का। हम लोग थोड़े से आगे आ गए, ये खैरागढ़ वाला रोड है जो जा रहा है सीधा, हम लोग यही रोड से अभी आए हैं। और ये अपनी शहीद नगरी है छुई खदान। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसा है छुई खदान का माहौल। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, चलो फ्रेंड्स ये वाले रोड से अभी हम लोग आए हैं। आप देखे हैं जहाँ से एंट्री बोर्ड में दिखाया था वहाँ से रोड आता है, पेट्रोल पंप पड़ता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वाइन शॉप, ये वाला रोड जाता है वाइन शॉप सीधे। अभी वहाँ जा चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है वहाँ का माहौल। तो बने रहिएगा वीडियो में, चलो चलते हैं। हम लोग अभी छुई खदान के दारू भट्टी में पहुंच गए हैं। वाइन शॉप दारू भट्टी बोलते थोड़ा अजीब लगता है। तो देखो ये इधर पीछे देखो यहाँ, ये वाला जो नज़ारा है ये है अपना वाइन शॉप का। तो अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर बैक कैमरे से दिखाएंगे आपको कैसा है माहौल। तो बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स ये है अपना वाइन शॉप छुई खदान का, ये वाला है अपना इंग्लिश का लाइन है जो इधर लगा है, और ये वाला है देसी का। फ्रेंड्स यही दिखाना था आपको छुई खदान का अपने को वाइन शॉप। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले लोकेशन पर। Thank you.
अभी हम लोग ये वाले रोड से आए हैं, आप देखे होंगे, तो ये वाला रोड अभी आता है अपना खैरागढ़ से और वो जाता है बस स्टैंड, अभी आगे दिखाएंगे। ये जैस्तम चौक है अपने छुई खदान का और ये रोड जाता है, कभी मैं डालूंगा वीडियो, ये छिंदारी बांध जाता है, छिंदारी डैम, और ये वाला रोड जाता है गंडई जाता है, ये वाला सीधा रोड। तो फ्रेंड्स ये अपना मेन अपना पॉइंट है छुई खदान का, स्टार्टिंग यहाँ से बस स्टैंड जाया जाता है और ये जैस्तम चौक है छुई खदान का। तो फ्रेंड्स ये है हमारा छुई खदान का बस स्टैंड, देखो एकदम शांत है, वैसे बस स्टैंड टाइप लग नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे बस वस कुछ खड़ा नहीं है। ये है फ्रेंड्स छुई खदान का अपना बस स्टैंड, तो इधर से निकलती है बस और उधर से आती है बस, ये वाले साइड से और इधर से जाती है, ये वाला भी हम लोग जो दिखाए थे ना मेन जैस्तम चौक का जो पॉइंट है वहीं से आता है वाला रोड, ऐसे ये इधर जाता है गंडई और इधर से आता है खैरागढ़ वाली बस आती है और इधर जाती है गंडई के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच गए हैं, ये है वीरंगना अवंती बाई कॉलेज अपना छुई खदान का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है बीए एग्रीकल्चर और यहाँ पे कॉमर्स है। तो फ्रेंड्स ये वाला अपना रोड जाता है यहाँ पे खैरागढ़ जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ है देखो डूंगरगढ़ 54 किलोमीटर, रायपुर 115, नागपुर 252 किलोमीटर और राजनांदगांव है 53। तो ये शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, और ये वाला रोड जाता है हमारा गंडई को जाता है, कवर्धा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था अपना वीरंगना अवंती बाई कॉलेज, तो फ्रेंड्स कैसा लगा बताना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं तहसील ऑफिस में। तो फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ से स्टाम्प पेपर या फिर अपना जो भी नोटरी वाला जो संबंधित अगर काम हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आने का रास्ता बताता हूँ, इधर से अपना सामने वाला जो जगह है वो जैस्तम चौक है, अपन जो मैं आपको जगह दिखाया था वहाँ से आप आ सकते हो। और ये वाला जो रोड है जो जाता है अपना सीधा, ये जाता है छिंदारी डैम, तो वो कभी और किसी वीडियो में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था अपना तहसील ऑफिस छुई खदान का, चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन छुई खदान के। तो ये है पुलिस स्टेशन छुई खदान का, डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव। तो फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पे कंप्लेन हो, कुछ समस्या हो तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ खो गया हो या फिर चोरी हो गया होगा तो यहाँ आ सकते हैं, छुई खदान का ये पुलिस स्टेशन है फ्रेंड्स। परित्राण है साधु नाम करके लिखा हुआ है देखो गेट पे। तो फ्रेंड्स ये था अपना पुलिस स्टेशन छुई खदान का, और बस हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं वहाँ से जो अपना तहसील ऑफिस से। तो फ्रेंड्स ये आ जाता है अपना पुलिस स्टेशन, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे, सब पास पास में ही फ्रेंड्स। तो आइएगा यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत हो तो, हर कोई तो नहीं आता। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। वीडियो कैसा लगा बताना, अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को फ्रेंड्स। तो सब चीज़ को तो कैप्चर कर नहीं पाया मैं जितना कर सका, तो फ्रेंड्स अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, डिसलाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो और बहुत जल्द नया ब्लॉग आएगा फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, बाय।